हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। ज्योति भारती खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नवाबी सेवैयाँ, ईदी स्पेशल। आपने भी कुछ सोच रखा होगा क्या बनाने वाले हैं। मैं तो बनाने वाली हूँ स्पेशल नवाबी सेवैयाँ, तो सोचा क्यों ना रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए अब देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं नवाबी सेवैयाँ। यहाँ पर गैस पर हमने एक पैन रखा है, इसमें आधा लीटर दूध मैंने डाला है और गैस को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे जला कर रख दिया है। हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। जब तक दूध गर्म होगा, उबलेगा, तब तक हम सेवैयाँ की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सेवैयाँ ली हैं और ये देखिए, मैं हाथ से इसे इस तरीके से मसल रही हूँ ताकि ये बारीक बारीक हो जाए और ये छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाए। तो इस तरीके से गति की सहायता से आप हाथ में लेकर इसे प्रेस करते हुए, दबाते हुए अच्छे से आप बारीक बारीक कर लीजिए। ये अच्छे से बारीक हो चुकी है, देखिए मैंने सारी थाली में अच्छे से फैला दिया है। अब यहाँ पर हम दूध को चेक कर लेते हैं। दूध में भी उबाल आ चुका है, ये अच्छे से उबल गया है। फिर भी हम इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। इसी तरीके से चलाते हुए इसे पका लेंगे। यहाँ पर हम सेवैयाँ को रोस्ट कर लेते हैं, इसलिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने बटर डाला है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, आप इसे घी में रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बटर लिया है। अब हमने सारी सेवैयाँ को इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसी तरीके से हम चलाते हुए पका लेंगे। इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये तली में लगने लगती है, बहुत ही बारीक सेवैयाँ होती है, तो ये जल्दी ब्लैक कलर का रूप लेने लगती है। तो हमें ब्लैक नहीं करना है, हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर डालूंगी, ये खाने का कलर है, येलो कलर, जो कि हमारा सेवैया का कलर है, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही आप इसे डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास घर पर रखा था इसलिए मैंने इसे डाला है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी जो सेवैया वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, पक गई हैं, और अब हम इसे इस बाउल में निकाल देंगे। हमें 1/4 जो है सेवैया यहाँ पर लगाना है, इसमें डालना है और इस तरीके से प्रेस करते हुए इसमें सेट कर देना है बाउल में। देखिए मैंने यहाँ पर गिलास का यूज़ किया है और इसे अच्छे से दबा दिया है ताकि जो हमारी सेवैयाँ हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगी बाउल में, और 3/4 सेवैयाँ हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने केवल 1/4 सेवैयाँ का यूज़ किया है। इधर दूध भी अच्छे से उबल चुका है, अब हम दूध की तैयारी कर लेते हैं। मुझे ये एक रबड़ी फ्लेवर में लाना है, एक रबड़ी की कंसिस्टेंसी में लाना है। यहाँ पर हम इसे इसलिए इसे तीखी होने देते हैं, थोड़ा सा चलाते हुए पका लेंगे और गाढ़ा होने देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर, शुगर है, आप चाहें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है कंडेंस्ड मिल्क, तो मैं यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ। और मैंने 2 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने मिल्क पाउडर अगर हम चाहते तो कटोरी में खोलकर फिर इसमें डाल सकते थे, लेकिन मिल्क पाउडर मैंने इसलिए ऐसे ही डाला है ताकि ये रबड़ी की कंसिस्टेंसी में आ सके और हल्का गाढ़ा हो जाए। हम इसी तरीके से चलाते हुए इसे पका लेंगे। अब इधर मैंने एक बाउल के अंदर गर्म दूध लिया है, ये हल्का गर्म है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर से जो हमारा नवाबी सेवैयाँ का कलर है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, हल्का सा क्रीमी कलर ले लेता है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये हैंड ब्लेंडर से हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहेगा, ये अच्छे से दूध के अंदर घुल चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसे उबलते हुए दूध में डालेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक साथ इसे नहीं डालेंगे, इसे दूध में चलाते हुए धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए इससे जो दूध की कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिक्की होने लगेगी, गाढ़ी होने लगेगी, और इसका देखिए टेक्सचर भी चेंज हो गया, इसका कलर चेंज होने लगा है। 4 से 5 मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है और अब हमारा जो बैटर है वो एकदम रेडी हो गया है। इधर हमारी जो सेवैयाँ हैं वो भी सेट हो गई है अच्छे से। हम देखिए हाथ से प्रेस करके देख लेते हैं, ये अच्छे से बाउल के अंदर सेट हो गई है। अब हमने जो रबड़ी का बैटर तैयार किया है उसे हम इसमें डालेंगे। देखिए चम्मच से इस तरीके से सारे कॉर्नर में फैला देंगे ताकि जो सेवैयाँ हैं वो पूरे से अच्छे से ढक जाए और बिल्कुल भी सेवैयाँ ना दिखें। देखिए मैं कॉर्नर कॉर्नर में चम्मच से इस तरीके से इसे फैला रही हूँ।
नवाबी सेवैयाँ बनने के बाद बहुत ही डेलीशियस और यमी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। अब हमने जो 3/4 सेवैयाँ बचा कर रखी थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से स्प्रेड करेंगे, हाथ से हमें इसे छिड़कना है और सारे कोनों में अच्छे से फिल कर देना है इसे, ताकि जो हमारा रबड़ी बेटर दिख रहा है वो नहीं दिखे। और अच्छे से मैंने यहाँ पर हाथ से फैला दिया है सेवैयाँ को, कवर कर दिया है। देखिए अब हम यहाँ पर गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। मैंने यहाँ पे कुछ चॉप किए हुए बादाम और काजू लिए हैं, उससे मैंने इसे गार्निश किया है। और अब यहाँ पर हम थोड़े से पिस्ता ऐड कर रहे हैं, पिस्ता भी मैंने यहाँ पे डाला है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी और डेलीशियस बना है। तो हमारी जो नवाबी सेवैयाँ हैं वो बनकर तैयार है। अब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए। हमने इसे ढक्कन से कवर कर दिया है, आधा घंटे बाद हम फ्रिज में से निकाल के इसे चेक कर रहे हैं। नवाबी सेवैयाँ बहुत ही चिल्ड हो गई है, ठंडी हो गई है, और अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। देखिए मैं आपको इसे चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ कितनी क्रीमी टेक्सचर लाया है इससे। जो हमारी जो रबड़ी हमने तैयार की थी, जो हमने बैटर तैयार किया था, उससे इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही यमी बना है, बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती है अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।